हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू फ्लेवर्स बाय पूजा। आज मैं आपके लाई हूँ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और रेयर सब्जी जिसको मेरे यहाँ पर तो सफड़ा बोलते हैं या भुटकी बोलते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ मानसून के मौसम में ही मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और टेस्टी होता है। इसको आप वेज मटन भी बोल सकते हैं क्योंकि है उसकी खुशबू बिल्कुल ही वैसी ही होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये कैसा दिखता है। तो ये ऐसे डार्क ब्राउन कलर में होता है और गोल गोल होता है। एक्चुअली ये जंगलों में ही मिलता है और ज़मीन के नीचे होता है। तो जब ये आता है तो काफ़ी सारी इसमें मिट्टी लगी होती है, तो इसको बहुत ही अच्छे से धुलना पड़ता है। पहले पानी से वॉश करते हैं 5-6 बार। उसके बाद जो चलनी होती है जिसमें हम चावल दाल ये सब चालते हैं, उसमें इसको रब करते हैं जिससे ऊपर जितनी भी मिट्टी लगी है वो अच्छे से निकल जाए। तो चलिए अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। तो इसमें कुछ सफ़ेद होते हैं अंदर से, जिसके अंदर का गूदा होता है वो कुछ सफ़ेद होता है और कुछ कुछ गूदे जो होते हैं काफ़ी काले होते हैं, जैसे मैं अभी कट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो ये काफ़ी काला है बट ये ख़राब नहीं है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसमें छेद होते हैं या छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको डिस्कार्ड कर देना होता है। तो कोई सफ़ेद हो सकता है और कोई काला हो सकता है, नो डाउट। देखिए ये वाइट निकल आया। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स हैं और प्रोटीन है, और इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से वेज मटन है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो सफड़ा लिया है जिसको इंग्लिश में अर्थ स्टार भी बोला जाता है, और इसको मैंने जो छोटे थे उनको हाफ हाफ में कट किया है और जो बड़े हैं उनको 1/4 कर लिया है। तो इसको अभी मैं किनारे रख दे रही हूँ और आगे चलते हैं कुकिंग प्रोसेस पे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन कुकर लिया हुआ है और उसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच तेल, और उसमें अब कुछ खड़े मसाले डाल दे रही हूँ। सबसे पहले डाल दिया तेज़पत्ता, उसके बाद कुछ लौंग है, फिर दालचीनी के टुकड़े हैं कुछ, और काली इलायची है जिसको कूट लिया है थोड़ा सा। इन सब मसालों को तेल में डालेंगे। इस समय तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है मेरा, और इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे कि मसाले की खुशबू तेल में आ जाए। तो बस अब डाल देती हूँ मैं इसमें प्याज। यहाँ पर मैंने लगभग 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको फाइनली चॉप कर लिया है, और उसको अब मैं इस तेल में डाल दे रही हूँ। इसको डालने के बाद अब इसको अच्छे से तेल में चलाएंगे और इसको अब बीच बीच में चलाते रहेंगे और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को भून लेंगे। तो इसको अब छोड़ देते हैं। मीनवाइल हम कुछ अपने मसाले भी रेडी कर लेते हैं। तो जब तक प्याज हो रहा है तब तक कुछ मसाले मैं ले रही हूँ। उसमें सबसे पहले मैं लूँगी अनियन, फिर है लहसुन की कुछ कलियाँ, जीरा है और काली मिर्च है, फिर लिया है मैंने दालचीनी का टुकड़ा और है अदरक। तो ये सारे मसाले हैं, इन सबको अब मैं डाल दे रही हूँ एक मिक्सर ग्राइंडर जार में। मसाले अभी और भी जाएंगे तो इन सब फटाफट से डाल लेते हैं जार में। अब इन मसालों के बाद जाएगा इसमें हल्दी, उसके बाद डाल रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर। तो ये काफ़ी तीखा वाला है तो बस 1 टीस्पून ही बहुत है। उसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया, ये खड़ा साबुत धनिया है। आपके पास ना हो तो आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन मसालों को पानी डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तब तक चलिए अपनी प्याज को देखते हैं। देखिए तब तक हमारा प्याज भी गोल्डन कलर में आ चुका है, अच्छे से ये अब भुन चुका है। आप इसको देख रहे हैं, इसको एकदम से ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन करना है। अब जो मसाला हमने पीसा था उस मसाले को इस फ्राई किए हुए अनियन में ऐड कर देंगे। उसके बाद अब इसको अच्छे से मसाले को चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए थोड़ी देर मैंने चलाया और मसाला इस तरह से हो गया है। अब इसके बाद मसाले को मैं ढक दूंगी
और ढककर इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाती रहूँगी। तो मसाला हमेशा मैं मीडियम फ्लेम पर और ढककर ही पकाती हूँ, इससे मसाले की खुशबू बनी रहती है और तेल भी आपका कम लगता है। अगर आप फुल फ्लेम पे करते हैं तो काफ़ी तेल लगता है। देखिए थोड़ी देर बाद मसाला इस तरह से हो गया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ उसमें नमक, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ उसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, जिससे एक बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा इस सब्ज़ी में और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा। तो फिर से अब इसको हम भून लेते हैं मसाले के साथ। तो मसाले को अभी थोड़ा और भूनना है, तो फिर से एक बार ढक देते हैं और ढककर पका लेते हैं। तो देखिए लगभग 5 मिनट के बाद अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। तो मसाला हमारा देखिए अच्छे से भून चुका है और जो तेल है वो ऊपर आ चुका है। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे अपना जो सफड़ा है। तो यहाँ पर ये 1/2 किलो सफड़ा मैंने लिया है और इसको अब इसमें डाल देंगे पूरा ही। डालने के बाद फिर से इस सफड़े को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे जो मसाला है और सफड़ा वो एकसार हो जाए। देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उबला हुआ पानी। तो इस सब्ज़ी में बहुत पतली ग्रेवी नहीं बनती है, थोड़ा थिक ग्रेवी रहता है। तो इसलिए आप भी पानी अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपको पसंद है, बट बहुत ही ज़्यादा पतला मत करिएगा। और हमेशा गर्म पानी ही डालें, इससे जो मसाले की कलर है वो बना रहता है। अब हम डाल देंगे इसमें कुछ हरी मिर्च तोड़ के, ये टोटली ऑप्शनल है, बट इससे एक फ्रेशनेस वाली तीखापन आ जाती है हमारी सब्ज़ी में। तो बस अब कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसको अब एक सीटी आने तक फुल फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो जब तक वो पक रहा है तब तक हम कुछ और मसाले रेडी कर रहे हैं। तो इसमें मैंने लिया है कबाब चीनी है, जायफल है, जावित्री है, छोटी इलायची है तो, और तो बड़ी इलायची है, उसके बाद कुछ लौंग है और 1 टीस्पून सहजीरा है। तो ये सारे मसाले खुशबू वाले हैं और इन मसालों को अब मैं एक हमाम दस्ते में डाल लूँगी और इसको कूट के इसका एक पाउडर रेडी कर लूँगी और उसको अलग रख लेंगे। तो देखते हैं अब हमारी सब्ज़ी का क्या हाल है। तो सब्ज़ी पक चुकी है, ठंडी हो चुकी है, इसका प्रेशर अपने आप से रिलीज हुआ है। तो अब जो हमने मसाला रेडी किया था खुशबू वाला, वो ऊपर से अब डाल देंगे। तो ऊपर से मसाला डालने से सब्ज़ी में एक बहुत ही अच्छी खुशबू बनी रहती है और इसको अब इसमें मिक्स कर देंगे। सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ी सी मुझे सूखी लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा पानी मत डालें, बाद में आप पानी ऐड कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरे धनिया का पत्ता। चलिए अब इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो मैंने एक बोल में सब्ज़ी को निकाल लिया है, ऊपर से गार्निश कर दे रही हूँ थोड़े से धनिया के पत्तों को, और लास्ट में जाएगी इसमें 1 हरी मिर्च जिसको मैंने स्लिट कर दिया है। तो हमारी ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी और टेस्टी सुफले की सब्ज़ी रेडी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं मिलूँगी ऐसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।